मैं हूं अंजलि, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में। और आज की इस वीडियो में, इस रिपोर्ट में बात करने वाली हूं आप सभी की फेवरेट एक्ट्रेस हेमा मालिनी यानी कि बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल के बारे में। जिस तरीके से हुनरबाज के सेट्स पर आपको हेमा मालिनी नजर आती हैं, तो वो रोज कहीं ना कहीं अपनी स्किल्स दिखाकर फैंस का दिल जीतना अभी भी इस उम्र में नहीं भूलती। जिस तरीके से हाल ही में उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती संग डांस किया था, काफी रोमांटिक, उसके लिए फैंस ने उनकी खूब सराहना की थी। लेकिन वहीं पर हुनरबाज के एक कंटेस्टेंट यानी कि जिनका नाम अनिर्बान है और वो काफी छोटे हैं, वो बांसुरी की धुन में, हेमा उनकी बांसुरी की धुन में इस तरह झूम उठती है कि उनके प्यार में मोह जाती है। वहीं पर बात करें, यहाँ पर इस हफ्ते अपनी माँ की मौजूदगी में अनिर्बान अपने हुनर से दर्शकों के साथ साथ जजेज को भी मंत्रमुग्ध करते हुए नजर आए। एक तरफ जहाँ बांसुरी वादक अनिर्बान ने हेमा मालिनी का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो वहीं दूसरी तरफ हेमा मालिनी ने भी उनके लिए खास सरप्राइज दिया। जी हाँ, हेमा मालिनी ने उनको एक खास तोहफा दिया हुनरबाज के सेट पर। वहां पर वो इनकी परफॉर्मेंस से इतनी ज्यादा इम्प्रेस हुई कि उन्होंने, हेमा मालिनी ने उनके हाथ से बांसुरी देते हुए कहा, थुरा से आई हूँ और आपको देखकर ऐसा लगा कि आप वृंदावन के गोपाल हैं। भगवान कृष्ण ने यह आपके लिए भेजा है क्योंकि आप बिल्कुल उनकी ही तरह है। यानी कि यहाँ पर उन्होंने अनिर्बान को एक बांसुरी गिफ्ट में दी और उनको किया कंपेयर भगवान श्री कृष्ण से। इस तरीके का यहाँ पर उन्होंने तोहफा अनिर्बान को दिया है, जिससे सभी लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट नाइन न्यूज।